नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ रॉयल एनफील्ड की एक एकदम बिल्कुल नई गाड़ी, जिसे हम बोलते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन। मार्च 2016 में लॉन्च होने वाली ये गाड़ी अभी तक बहुत ही ज़्यादा चर्चित नहीं है, पर अगर बात की जाए इसके परफॉर्मेंस की, आज अगर बात की जाए इसके कुछ क्वालिटी की, तो मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको ऐसा कोई भी स्पेसिफिकेशन बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज आपके सामने रखूँगा इसका एक यूज़र रिव्यू, जो पिछले एक हफ्ते से यूज़ करने के बाद में, 7 दिनों से, 6-7 दिनों से यूज़ करने के बाद में मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, मैंने यहाँ पे महसूस किया है। वो ये है कि देखिए, रॉयल एनफील्ड का अभी तक का सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है इस हिमालयन में, क्योंकि इसका जो अभी तक की सबसे नई टेक्नोलॉजी का इंजन, वो आपके सामने आपको इस हिमालयन में मिल जाएगा, LS411, जिसमें 411 cc का इंजन लगा हुआ है, जो आपको 25 bhp की लगभग ताकत देता है। कहने को 23.5 bhp है, पर वो लगभग 25 bhp के आसपास का इंजन माना जाता है, परफॉर्मेंस माना जाता है। और इस गाड़ी को किसी भी तरीके से स्पोर्ट गाड़ी के रूप में बिल्कुल न सोचिएगा, क्योंकि ये गाड़ी आपकी सिर्फ स्पोर्ट गाड़ी ही नहीं है। वैसे तो इस रेंज में बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जैसे KTM की ड्यूक है, होंडा की CVR है, लेकिन ये गाड़ी बनी हुई है स्पेशली ऐसी जगह के लिए जहाँ पर ना रोड है, या किसी भी तरीके की आपको ट्रैवलिंग करना हो, ट्रैकिंग करना हो, आपको उस कंडीशन में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। ये स्पेशली बनाई गई है उन सारी जगह पर जहाँ पर आपको रोड्स नहीं मिलती हैं, जैसे आप ऑफ रोडिंग की बात कर लें, जहाँ पर रास्ते सड़क नहीं है, जहाँ पर कुछ लोगों को टूर करना जाना होता है, तो टूर करने में स्पोर्ट्स बाइक में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे कम्फर्ट साथ में टूर करा सकती है। क्योंकि इसकी सबसे खुशी की बात यह है कि इसका जो ये कुशन सीट है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, और सिर्फ राइडर का ही नहीं, पिलियन के भी कंफर्ट के को ध्यान में रखते हुए इसमें आपको 2 स्प्लिट सीट्स दी गई हैं, और जो कि बहुत ही हैवी चौड़ी है। दूसरी बात, यहाँ पे पीछे लगाया गया जो ये कैरियर है, इस कैरियर पे आप किसी भी तरीके से अपने बैग को रख सकते हैं। पीछे बैठने वाला जो पिलियन होगा वो अपने बैग को अपनी पीठ पर बात करके टो करके इसको यहाँ पे रख सकता है, जो इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट देता है। दूसरी बात है, इसमें अगर आप काफ़ी अकेले लॉन्ग टूर पर जाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ आपके देखिए ये एसेसरीज लगाने के लिए जगह दी हुई है, होल्स दिए हुए हैं, जैसे आप सूटकेस जो आता है इसमें, बॉक्स आता है डिग्गी जिसे हम बोलते हैं, वो लगा सकते हैं, या फिर इसका एक रॉयल इनफील्ड का स्पेशली बैग आता है जिसकी कीमत लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये के आसपास होगी, जो दोनों तरफ से लग जाता है, आप उसको लगा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आप देख सकते हैं 21 इंच का अगला पहिया दिया गया है। ये 21 इंच का पहिया आपको आगे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, या फिर अगर आप बात करते हैं किसी तरीके से कीचड़ में, या ऐसे रास्तों पे जहाँ पर अक्सर स्पोर्ट्स गाड़ियाँ नहीं निकलती हैं, दिक्कत होती है, उन सब जगह पे ये गाड़ी काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। दूसरी बात, इस गाड़ी में आपकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सीएट के टायर दिए गए हैं। बहुत हद तक लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन सीएट के इस टायर पर 5 साल की वारंटी भी आपको मिलती है, जो वारंटी आपको 5 सालों तक दिया जाएगा सीएट कंपनी के द्वारा, कि अगर इस टायर को किसी तरीके की खराबियाँ होती हैं तो वो सीएट कंपनी की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए इसमें ये सीएट टायर्स दिए गए हैं जो कि ट्यूबलेस नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा ट्यूबलेस टायर्स की डिमांड होती है कि इसमें ट्यूबलेस क्यों नहीं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, ट्यूबलेस टायर इसमें ना हो पाने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है इस गाड़ी का वेट जो है 182 किलो, और इतना वजन होने पर अगर हम कहते हैं इसमें ट्यूबलेस टायर की बात करते हैं, तो ट्यूबलेस टायर कहीं ना कहीं इस गाड़ी में इतना ज़्यादा हैवी वजन नहीं झेल पाता है, इस कभी कभी वो दिक्कत कर जाता है, कभी कभी कुछ समस्याएं कर जाता है, इसलिए आपको ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए इसमें स्पोक्स दिए गए होते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं दी गई होती है, जिसमें आपको स्पोक भी दी गई होती है। अलॉय व्हील्स नहीं दिए होते हैं, इसलिए कि मान लीजिए आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और कहीं पे ज़्यादा तेज़ अगर टक्कर लग जाती है, तो अलॉय कभी भी बनती नहीं है, वो सीधे रिप्लेस होती है, जो काफ़ी हद तक आपको परेशानी आ सकती है उसमें, इसीलिए इसमें ये स्पोक्स दिए जाते हैं कि आप इसको टाइट और ढीला करा के किसी तरीके से अपना काम चला सकें। ये एक मेरा पर्सनल रिव्यू है, कुछ लोगों से जो हम लोगों ने जाना है, सोचा है, ये एक पर्सनल मेरी थिंकिंग है, इसको किसी तरीके से रॉयल एनफील्ड से न जोड़ें। दूसरी बात, जहाँ तक बात आती है इस गाड़ी की, अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन और बताऊंगा, कुछ यूज़र रिव्यू जो मुझे एक हफ्ते में चलाने के बाद में महसूस हुआ, वो ये महसूस हुआ कि आप देख सकते हैं, सबसे अच्छी बात अभी तक की रॉयल एनफील्ड में थंडरबर्ड में जो इसमें की लॉक दिया गया था, कि इसके लॉक सिस्टम यहीं ऊपर से दिया गया है, आप इसे अनलॉक करें
इग्निशन जैसे ऑन होने पर आपको इसमें मीटर में यहाँ पे मीटर दिया गया, बड़ा एक खूबसूरत टाइप का मीटर दिया गया जो आप देख सकते हैं। ये इसका टैकोमीटर है, ये इसका स्पीड कंट्रोल मीटर है, ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर है जो आपके गियर के चेंजिंग पे आपको दिखाता है। 5 गियर्स गाड़ी में दिए हुए हैं। ये इसका साइड स्टैंड का भी सिंबल इसमें बताता है कि आपकी गाड़ी में साइड स्टैंड लगा हुआ है। दूसरा एक टेम्परेचर दिखाने वाला, ये टाइम सेट करने वाला है, टाइम आपका दिखाता है। दूसरा ये टोटल आपकी गाड़ी का रनिंग कितना हुआ है, आपका फ्यूल है। ये कंपास है, देखिए इसका एरो नॉर्थ साइड में दिखा रहा है, ये एरो हमेशा नॉर्थ साइड को दिखाता है, बाकी आपका साउथ ईस्ट जिधर इसका फेस होगा उधर दिखाएगा। ये बैटरी का सिंबल है। दूसरी बात, ये आपकी हजार्ड लाइटिंग है, इन केस कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इस हजार्ड को जला सकते हैं, मतलब आप इंडिकेटर को, दोनों इंडिकेटर को जला सकते हैं। ये कभी भी मान लीजिए जैसे आप कभी कोहरे में उसमें फॉग में चलते हैं तो उस कंडीशन पे, या कभी भी आपको पार्किंग में लगाना हो तो आप इस बटन को ऑन करके जला सकते हैं। हम इसको बंद करेंगे। ये इसमें सेलेक्ट का मीटर दिया हुआ है, आप इसे सेलेक्ट से कभी भी किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे सारी चीजें चेंज हो रही हैं। और इसके मीटर में बड़ी खास बात ये दी हुई है कि ये कितना आप एवरेज स्पीड चल रहे हैं। जैसे लॉन्ग टूर पे आप चलते हैं तो आपको कभी कभी ये दिक्कत होती है कि काफ़ी लंबे समय से हम चल रहे हैं, क्या मेरी स्पीड रही है, सारी जानकारी इसमें आपको एवरेज स्पीड के रूप में ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला ये इसका मीटर है जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी बात, इसमें 300 mm की आगे की डिस्क रख दी हुई है जो कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है कि लगती नहीं है, पर स्पेशली ये इसलिए बनाई गई है ऑफ रोडिंग कंडीशन के लिए कि कभी मान लीजिए आप ऑफ रोडिंग में आपने बहुत हार्ड ब्रेकिंग कर दिया तो उस हार्ड ब्रेकिंग में आपकी गाड़ी स्किड ना करे, बहुत आगे आपको फिसले ना और जिससे आप चोट आपको लग सकती है, तो वो कंडीशन आपको ना हो। इसमें वैसे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं दिया गया है, मल्टी रिफ्लेक्टर हेड आपका हेडलैम्प है, नीचे एलईडी पार्किंग लैंप है, मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है जो बहुत ही हद तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। आपको मैं बताऊं, आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प के जैसा ही बिल्कुल इससे परफॉर्मेंस ले सकते हैं, बिल्कुल वो आपको परफॉर्मेंस देगा, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी, बिल्कुल ही अच्छी विजिबिलिटी आपको ये देगा, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा फोकस दे रहा है आपको यहाँ पर, आप इसके लाइटिंग को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतना अच्छा ध्यान रखा रॉयल एनफील्ड ने इसमें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताऊं इसके इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में, कि इंजन का परफॉर्मेंस देखिए, मैं इसके सिर्फ दो बातें इंजन के परफॉर्मेंस में आती है, एक होती है रॉयल एनफील्ड में जो वाइब्रेशन की शिकायत होती है। इसका हैंडल बार काफ़ी वाइड है, विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें जीरो वाइब्रेशन आता है, मतलब आप कभी भी इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि जो एनफील्ड कभी कभी कुछ लोग लेने से पीछे हटते हैं कि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो वाइब्रेशन की शिकायत इसमें आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप 50-60 की स्पीड पे हो, वैसे तो इसका टॉप गियर 5 गियर इस गाड़ी में है, तो टॉप गियर जो इसका 5वां गियर लगता है वो 60 की स्पीड के ऊपर ही लगता है, नीचे लगाने पर इस गाड़ी में नॉकिंग की आवाज़ आती है। मतलब वो तो हर गाड़ी में होता है कि गियर कम रहने पर, आपकी गियर ज़्यादा होने पर, स्पीड कम रहने पर काफ़ी इंजन में दिक्कत होती है, वो उसी तरीके से वो आवाज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसका जो सबसे अच्छी आपका अच्छी बात है कि इसकी स्पीड में आपको 60 की स्पीड के ऊपर ही आपका 5वां गियर लगेगा और वाइब्रेशन नहीं मिलता, सबसे बढ़िया बात इसमें ये आपको मिलेगी। इवन आप तीसरे गियर में, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहे तो तीसरे गियर में ही आप इसको 100 क्रॉस कर सकते हैं, बिल्कुल ये गाड़ी तीसरे गियर में ही 100 क्रॉस हो जाती है, 100 की स्पीड ये तीसरे गियर में गाड़ी क्रॉस कर देती है। और रही बातें इसकी अगर टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड इसकी जो है वो मैंने खुद राइड किया हुआ है, और इसकी टॉप स्पीड वैसे तो इसके मीटर में ये चीज नहीं दिखाता, लेकिन इसकी टॉप स्पीड अभी मैंने जो यूज की है वो 135 से ऊपर, लगभग 140-142 के आसपास मैंने इसको काफी हद तक मेंटेन किया था, ये जाती है, मतलब राउंड फिगर अगर आप मानते हैं तो 140 इसकी आप स्पीड मान सकते हैं, बताते तो कंपनी वाले 130 हैं, लेकिन 140 अगर आप थोड़ा और लॉन्ग डिस्टेंस पे चलेंगे तो 150 के आसपास ये गाड़ी आपकी चली जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब बात आती है इसके माइलेज की, तो माइलेज जब मैं देखिए अभी मेरी गाड़ी 292 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और अभी भी इस गाड़ी में काफ़ी हद तक तेल बहुत ज़्यादा है। 16 लीटर का इसका टैंक है, पेट्रोल टैंक, फ्यूल टैंक 16 लीटर का है, और इस पेट्रोल फ्यूल टैंक में 16 लीटर के पेट्रोल फ्यूल टैंक में आप लगभग 30 से अभी एक भी सर्विसिंग इस गाड़ी की नहीं हुई है, क्योंकि इसका अभी 500 किलोमीटर पे इसकी सर्विसिंग होती है, सबसे पहली सर्विसिंग, दूसरी 5000 पे होगी, तीसरी 15000 पे होगी, और फिर चौथी होती है वो होती है सॉरी दूसरी 10000 पे होती है, और चौथी आपकी जो होती है वो भी फ्री सर्विस, 4 फ्री सर्विस इसमें दी जाती हैं, वो आपकी 15000 किलोमीटर पे होगी। और कंपनी का ये दावा है कि आप इसमें आप इसको 10000 किलोमीटर पे सर्विस कराइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल वैसे 6000 पे आप करा सकते हैं, लेकिन 6000 से 10000 के बीच में आप कभी भी इस गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे और भी जितनी भी रॉयल एनफील्ड की गाड़ियां उसमें 5000 किलोमीटर पर सर्विसिंग हो जाती है। दूसरा, पीछे भी इसमें रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है, आप देख सकते हैं, जो लगभग 230 mm का है।
सीएट के विड्थ वाले टायर दिए गए हैं, काफ़ी बहुत लंबे टायर दिए, चौड़े टायर दिए गए, 120 90 17 इसकी साइजिंग है। और इस गाड़ी का जो साइलेंसर है वो काफ़ी स्पोर्टी है, आप देख सकते हैं पीछे से भी गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी लगती है, एकदम ट्रियम्फ की टाइगर के जैसे बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्पोर्टी लुक इसका आता है। और काफ़ी हद तक रॉयल इनफील्ड ने कॉन्टिनेंटल जीटी को और इस हिमालयन को की डिज़ाइन को देखा है, अगर आप मैच करेंगे तो ट्रियम्फ से काफ़ी मिलती हुई आपको मिलेगी। स्पोर्टी इसमें देखिए ब्रेक लीवर दिया हुआ है और डिस्क ब्रेक का ये ऑयल दिया गया है, ये आपका सर्किट पैनल है जहाँ पे सर्किट आपकी होती है सारी की सारी। दूसरी और भी मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा वो ये कि आप इस गाड़ी को अगर परचेस करना चाहते हैं तो इस गाड़ी के लुक के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा। कुछ लोग कभी कभी इसको इसलिए नहीं परचेस करते हैं कि इस गाड़ी का लुक बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही सही नहीं है रियलिटी में, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक बार टेस्ट राइड लें, अपने नज़दीकी रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे जाइए, वहाँ पे टेस्ट राइड लीजिए, वहाँ पे आपको फिर पता चलेगा कि कितना अच्छी ये गाड़ी का परफॉर्मेंस है। आप कैसी भी रोड हो या न रोड हो, आप उबड़ खाबड़ रास्तों पर चला सकते हैं, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे इसको चलाने के बाद, जो आपको थंडरबर्ड में नहीं मिला, जो आपको क्लासिक में नहीं मिलता है, जो आपको कॉन्टिनेंटल जीटी में नहीं मिलता। कभी भी लॉन्ग राइडिंग के बाद में आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर गाड़ी चला लेंगे लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बाइक चला करके आए हैं और आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसमें पीछे जो आपका सस्पेंशन दिया हुआ वो रॉयल एनफील्ड में पहली बार यूटिलाइज किया गया है। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है जो पहली बार लगाई गई, जैसे राइट साइड में डिस्क प्लेट, दूसरा आपका मोनोक्रॉस मोनो सस्पेंशन, आपका रियर मोनो सस्पेंशन है, तीसरा LS 410 नया इंजन इसमें दिया गया, सिंगल स्पार्क प्लग जो आता है, तीसरी सबसे बड़ी बात वो है आपका 21 इंच का पहिया, दूसरा इतना इंफॉर्मेशन वाला आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बहुत हद तक बहुत अच्छे से दी गई हैं। तो ये आप गाड़ी अगर परचेस करना चाहें तो बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, इसका रेट ऑन रोड 1,85 के आसपास है, 1,85,000 के आसपास है, जो पूरे भारत में ऐसे ही 1,85 1,82 1,90 अलग अलग जगह पर आपको मिलेगा। चैन का आप कवर देख सकते हैं, हाफ चैन कवर दिया गया है, वो इसलिए ताकि आपकी क्लीनिंग भी इसकी आसानी से हो सके, इसमें और कुछ भी आपको दिक्कत नहीं हो होगी, आपको किसी भी तरीके से समस्या नहीं होने वाली है। ये आपका ऑयल कूलर दिया गया जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में पहली बार यूटिलाइज किया गया है, ताकि ये इसके मोबिल को इसके ऑयल इंजन ऑयल को थोड़ा सा ठंडा करके रखे। और मैं आपकी इसको आवाज़ को सुनाना चाहूँगा, आप देखेंगे इसमें किसी भी प्रकार से आपको रॉयल एनफील्ड के इंजन की आवाज़ नहीं मिलेगी। रॉयल एनफील्ड कभी कभी कुछ लोग रॉयल एनफील्ड की वैसे तो आवाज़ बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो आवाज़ बड़ी दिक्कत करती है, लेकिन इसमें बहुत ही साइलेंट इंजन आपको मिलेगा। साइलेंट इंजन इसमें आपको मिलेगा जो चलाने पर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं करेगा कि नहीं आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी गाड़ी चला रहे हैं। हिमालयन की डिज़ाइन ये आप देख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी हद तक ये रिव्यू पसंद आया होगा, आप पसंद कर सकते हैं, आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि बताना चाहिए या जो भी आपको लगता है कुछ बातें छूट गई हैं, मेरे हिसाब से मैंने पूरी जानकारियाँ आपको दे दी हैं। तो बाकी आपके लिए बहुत बहुत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।